परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणां दे विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम करके आपदा जश करन दा मौका दिता है। तुहाडे अगे गुरु रामदास जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखिया जांदा है, गौर नाल सुन वाला है, आप प्यार नाल दसदे है कि साडे और परमात्मा दे दरम्यान अगर कोई रुकावट है वो साडा अपना मन है। उस रुकावट नूं किस तरह असी मन नूं त्रिकुटी ब्रह्म दे विच पचा के मित्र बना सकते हैं, इस तरह वो जुगती जिहड़ी है वह सानूं संत सतगुरां तों मिलती है। गुरु साहिब परमात्मा दे अगे अरदास करदे आ कि हे परमात्मा, ऐसे संत सतगुरु अपनी दया करके मेल ता कि असी तेरी भगती कर सकीए। गुरु रामदास जी महाराज सानू बड़े प्यार नाल दसदे है कि साडा जिहड़ा मन है यही साडी वड्डी रुकावट है, क्योंकि असी जो कुछ भी दुनिया दे विच करदे हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं, मजहब कबूल करते हैं, मजहब बनाने हैं, रीति रिवाज असी जो कुछ भी करते हैं, सब इन्हों का डिजाइनर मन है, मन ही इन्हों बनाने वाला है। गुरु रामदास जी महाराज ने सारी संगत अपने दोने लड़के दोने दिमाग सबनों परीक्षा ते रख दिता भी बाहर चौंतरे बनाओ। हुण इह गल तां बड़ी मामूली हुंदी है, क्योंकि संत चाहुंदे है कि जिस हिरदे विच नाम प्रगट करना है, जिसने पिछों संगत दी अगवाई करनी है, वह कोई हिरदा भी होना चाहीदा है। क्योंकि मैं थानू कहानी पहला भी कई बारी सुनाई है, हुण भी सुना दिना है। एक बादशाह सीगा, उहदे एक लड़की सी, उसने अपनी रिज्जत दे अंदर मनियादी करा दित्ती भी जिहड़ा मैनू शाम तक ढूंढ लवेगा मैं उस दे नाल आपदी शादी लड़की दी शादी भी करूंगा और अपना जिहड़ा राजपाट है वह भी देऊंगा, अपना ताज उहदे सिर ते रख देऊंगा। हुण सानू पता है कि जद इस तरह दा कोई मनियादी आ जावे पौं ढिल करदा है, एडा सस्ता सौदा जिंदगी च कित्थे मिलदा है। सो जिन्ने भी नौजवान सन सब इस मैदान दे विच निकले, लेकिन वह बादशाह ने की कीता, हर एक रस्ते दे उत्ते उन्हें किसे थां मीट बन लाता, किसे थां डांस वगैरह कर ला दिता, किसे थां ऐशे ऐशर दे होर समान गल की के हर जगह कोई ना कोई मुजरा हो रहा सीगा, किते पैसे खिलार दिते, किते डालर खिलार दिते। सो आ बादशाह जिहड़ा सीगा वह भेस बदल के एक बाग दे अंदर माली बन के कम करन लग पिया। हुण करो तो सारे जवान निकले सीगे कि आपां बादशाह नूं ढूंढांगे, ना ये लड़की ना शादी करांगे, नाले उह तों राज लै लवांगे। लेकिन साडे जिहड़े कमजोर जिन्हां दे दिल सीगे, कोई पैसियां ते बैठ गया, कोई गाहां सियाणा डालरां ते बैठ गया, कोई अच्छे खाणियां दे उत्ते मस्त हो गया, कोई मीट शराब ते मस्त हो गया, कोई मुजरियां ते मस्त हो गया। एक नौजवान ऐसा मजबूत हिरदे वाला सीगा जिसने ये कहा कि ये तो सब कुछ बाद में भी देखा जा सकता है, क्यों ना उस बादशाह नूं ढूंढिए। उहने वो किसी भी लालच दे विच या मुजरे दे विच ना फसिया। उहने आखर दिन भी छिपण वाला सीगा, बादशाह बाग दे अंदर माली दे भेस विच बैठा सीगा। उहने देखिया, क्योंकि बेशक कितना भी भेस बदल लवे फिर भी जिहड़ा पछाण करन वाला है वह पछाण लैंदा है। उहने कहा कि बादशाह सलामत, हुण तुसी आपदे सही रूप विच आ जाओ। और बादशाह ने खुश होकर उस लड़के दे नाल आपदी शादी भी लड़की दी शादी भी करी और राजपाट भी दिता। ये तो एक कहानी है, लेकिन असल मतलब इसका की है कि बादशाह वो परमात्मा है, लड़की उहदी भगती है,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾਸਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਗਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਣ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ, ਹਿੰਡੋਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 1179। ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਰਮ ਪਰਮ ਬਹੁਤਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਵਿਛੇ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯੁਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ
कदे बेखौफ नहीं हो सकते। उसका जो भी मौका लगेगा वह जरूर डंग मारेगा। जे जुगती नाल आपां सप्प नूं फड़ के उहदी जहर की थैली कढ दईए तो उही मन उही जिहड़ा सप्प है उहदी जहर असर नहीं करदीगी, वह हार्मलैस हो जाता है। आम सपेरे लोग गलां विच पाई फिरदे है, शहरां दे विच तमाशा करदे है। इसे तरह जबरदस्ती मन नूं वस करना इसे तरह ही है जिस तरह आपां सुलगदी हुई अग नूं सुआह दे नीचे दब दईए। जदों फिर अंधेरी आउंदी है सुआह उड जाती है और हेठों अग फिर जग पैंदी है। इस तरह जबरदस्ती मन वस करना इस तरह ही है जिवें आपां जंगली आदमी नूं लिया के किसी मकान के अंदर बंद कर दईए। जदों उहनूं बंद करांगे उह घबराएगा, वह जो समान अंदर पिया है उसनू फेंकना भी शुरू करेगा। अगर उत्थे उसनू कोई खाण नू चीज मिठाई वगैरह मिल जाती है वह उसके लालच च लग जाता है, आखिर वह टिक जाता है। केड़ी चीज ने उन्हूं अच्छा इंसान बनाया, शांति बख्शी उस जंगली आदमी नू, उत्थे मिठिया चीजा ने, क्योंकि मिठे नू खा के उसका मन सी जिहड़ा वह शांत हो गया। हुण असीं जिहड़ा हट कर्मां विच आ के डिसिप्लिन दे विच लिया के पढ़ पढ़ाई ना या घर बार छड़ के या मंदरां मस्जिदां च चक्कर लाउण ना सोचदे हैं कि शायद परमात्मा नाल असीं जुड़ गए हैं, अगे जा के किसी चीज़ ना साडा मन जुड़दा नहीं गा, वह फिर दुनिया दे विच आ के पहलां नालों भी बुरी हालत कर दिंदा है। हुण की है कि साडा मन जिहड़ा है ये दोनों परवटियां के दरम्यान तीसरा तेला जिहड़ा इत्थे रुकदा नहीं गा, इत्थे ठहरदा नहीं गा, छिन छिन सानू बाहर की तरफ कर्म कांड दे विच सानू लाई रखदा है, बाहर ही बाहर सानू लई फिरदा है, विशे बकारां विच लई फिरदा है, मन वडियाई च लई फिरदा है। जदों असीं सिमरन दे जीट के मन नूं दोनों परवटियां के दरम्यान खड़ा करदे हैं स्थूल पड़दा ला लैंदे हैं, सूक्ष्म चले जाने हैं, सूक्ष्म पड़दा हटा के ब्रह्म विच चले जाने हैं, कारण चले जाने हैं, मन आपदे घर पहुंच जाता है। इनू उत्थे नाम का रस मिलता है, दुनिया के जिहड़े रस है अपने आप ही फिके लगन लग जाते हैं। मन खिन खिन परम परम बोतावे, दिल कर नहीं वासा पाये, गुरे अंकश शब्द दारू सिर तार्यो, कर मंदर आन वसाये। संत महात्मा सुनिया सुनाइया गल्लां ग्रंथा पोथियां दे विच नहीं लिखदे गए, उन्हां दा जाती तजर्बा हुंदा है, जो कुछ लिखदे आ उन्हां ने करिया हुंदा आपदी जिंदगी च। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भोयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुड़के, अदक ऐ बुद्ध बाधे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे असीं चार वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, खट शास्त्र पढ़े, सिमरतियां पढ़ियां, होर भी जो धर्म ग्रंथ सानू मिलिया सब पढ़े, योगियां वाले प्राणायाम भी असी कीता, कुंडलनी की साधना भी कीती, कांसी के अंदर जाके करवट भी लिया और बर्तन छड़ के हत्थां ते नाली पानी पीता, हाथ ते खाना रख के खादा, असी मोनी भी होए, बोलना बंद कर दिता, तन दे कपड़े भी छड़े, पैरां च जूते पौने भी छड़े। तो गुरु साहब कहंदे प्यारे इन विद मिलने जाई, प्यारे ये तरीका परमात्मा दे मिलदा नहीं गा, बल्कि हंकार हो जाता है कि मैं वेद पाठी हो गया है, मैं इतने पाठ कर ले है, मैंने तीर्थां ते जाया है, मैं कुंडलनी जगा ली है, मैं योगियां वाले सारे प्राणायाम कर्म करदा है। आप कहने लगे मैं थक के चूर हो के ये बार मुखी कर्म करके गुरु अमरदेव जी के चरणा ते डिग पिया कि हे महाराज जी तुसी दया करो, हार परिया स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध बबेका, मैनू ओ बुद्ध दियो जेड़ी सच और झूठ का निर्णय कर लवे। सच की है ओ परमात्मा, आप प्यार ना कहंदे है, जिस तरह हाथी बड़ी ताकत का जानवर हुंदा है, हाथी वान उस अंकस दे नाल जिहड़ा लोहे का डंडा हुंदा है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਸ ਅੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਣ। ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਅੰਕਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾਰੂ ਸਿਰ ਤਾਰਿਓ ਕਰ ਮੰਦਰ ਆਣ ਵਸਾਈਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੇ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮੇਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਨਾਰ ਕੂਕਰੀ ਹੋਏ ਗਲੀਏ ਗਲੀਏ ਭੂਸ ਫਿਰੇ ਟੁੱਕਰ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਏ। ਕਬੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਗੱਧਾ ਹੋਏ ਮਾਟੀ ਲਦੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਾਸ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਏ। ਬੜੇ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਚੁਮਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਦਿੰਦੇ ਦਾਨ ਗੁਰਬਿਨ ਦਾਨ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੇ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ ਕਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਲਾ ਦੇ ਮਨ ਪਰਮਿਆਂ ਲੈ ਨ ਸਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਲਾ ਦੇ ਮਨ ਪਰਮਿਆਂ ਲੈ ਨ ਸਕਾਈਏ। ਓੜਿਕ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੂਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਹਟਾਓ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਖੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।
स्कूल टीचर कोई बच्चे दे अंदर रगड़ के विद्या नहीं पाउंदा गा, कोई विद्या दी पंथ नहीं चुकाउंदा गा, सिर्फ ओदी सोबत करदा बच्चा तो अपनी सुती हुई विद्या जगा लेंदा है। जो लोग टीचरां दी सोबत नहीं करदे गे, विद्या उन्हां दे अंदर भी हुंदी है, वह सुती आउंदी है, सुती चली जांदी है। इसे तरह साडे स्कूलां दे अंदर टीचर ईसाई भी हुंदे है, सिख भी हुंदे है, हिंदू भी हुंदे है, कई मुल्कां दे भी टीचर हुंदे है। असी कोई उन्हां नाल रिश्ता नाता नहीं करना हुंदा गा, ना असी कदे एतराज ही कीता है कि मैं इस टीचर तो पढ़ना है उस तो नहीं पढ़ना गा, असी तो उतो विद्या ही प्राप्त करनी है। मैं जो पुणे स्कूल दे अंदर सिंगल पास कीता है, ईसाई भी साडे टीचर सन, एक मुसलमान मेरा टीचर लाले खां हुंदा सीगा, इसे तरह हिंदू भी टीचर हुंदे सन, असी उन्हां तो विद्या सीखी है। असी उन्हां दा अज भी आपदे दिल विच आदर करदे हैं। इसे तरह सब संत सन कबीर साहिब कहिंदे है कि सानू संतां दी जाति पाति दी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहीदी, ना ये तवज्जो कि किस मुल्क दा है, असी तां उस तों ज्ञान प्राप्त करना है। कबीर साहिब कहिंदे है, जात ना पुछो साध दी, पुछ लीजिए ज्ञान, मुल करो तलवार दा, पड़ी रहण दो म्यान। ये शरीर जड़ा है ये म्यान है, जो अंदर शब्द है, रूहानियत दी ताकत महात्मा दे अंदर जागी है, असी उस ओ लेनी है। जियो ओ डाकूप गज किन काढे, त्यों सत गुर वास्त लहाये। जिस तरह ओड लोग सिंगे जिन्हां नूं कहिंदे है, ओ अपनी तजर्बे दस दिंदे है, असी पानी निकाल लैंदे उस कुए दे विच्चों। इसे तरह साडे अंदरों परमात्मा जिहड़ा है गुप्त रूप है, त्यों सतगुरु वस्त लहाई है। महात्मा ने साडे अंदर कुछ रगड़ के नहीं पाउणा, घोल के नहीं पाउणा गा, सिर्फ साडे अंदर जो सुती रूहानियत दी विद्या है वह जगा देनी है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी, जो एक बंदा कम करदा उहनूं दूसरा कर सकदा है। यह नहीं संत कहिंदे कि तुसी उस रूहानी ताकत नूं जगा नहीं सकदे या उस नूं पा नहीं सकदे गे। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि असी डॉक्टर तो दवाई लै आउंदे हैं, ना परहेज करदे हैं, ना दवाई नूं असी यूज ही करदे हैं। बीमार है जिहड़ा बिस्तरे च है, दवाई आले च पई है, डॉक्टर दा उहदे विच की कसूर है, असी बुरा भला डॉक्टर नूं कहिंदे हैं। इसे तरह जो दवाई संत सतगुरु सानूं शब्द नाम दी दिंदे है, असी उहदी कमाई नहीं करदे गे। जो विशे बगारां तों शराबां कबाबां तों परहेज करना है, ना असी उह परहेज ही रखदे हैं। जियो ओ डाकूप गज खिन काढे, त्यो सत गुर वास्त लहाये। जिन ऐसा सत गुर साध न पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाये। हुण गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे है, उहनां दा दुनिया ते आउणा किस कम होया, तिरग है उहनां दा जिंदगी, जिन्हां ने मनुख जामा धारण करके ऐसा सतगुरु जो नाम दा रूप है, नाम दा दाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। यही गुरु रामदास जी कहिंदे है, जिन्हां ने इंसान दा जामा तार के ऐसा गुरु नहीं पाया, उन्हां दा दुनिया ते आउणा तिरग है। जिन ऐसा सत गुर साध न पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाये। जन्म पदार्थ पुन पल पाया,
कौड़ी बदले जाए। जब बहुत सारे पुन जमा हो जाते हैं, परमात्मा उदो इनाम की दिंदा है, इंसान का जामा दिंदा है। इंसान का जामा जिहड़ा है, ये सीढ़ी का आखिरी स्टेप है। गुरु मिल गया, नाम मिल गया, साडा इस इंसान के जामे विच आउण दा जो परवज हुंदा है वह पूरा हो जाता है। बाकी नहीं तो पिछे बकार कौड़िया है, ये कौड़िया नूं कट्ठे करदे करदे मान वड्याई दे विच असीं आपदा जन्म खो जाने हैं। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौड़ी बदले जाए। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाए। असी भुलड़ जीव तो कहने की लोड़ है संत महात्मा दे पास जाके वक्त खराब करते हैं, लेकिन जिन्ना महात्मा दी अखां खुल जांदियां हन वह उस परमात्मा दे अगे फरियाद करते हैं कि हे परमात्मा तू दया कर, मेहर कर, मैनू किसे पूर्ण गुरु दे चरणा विच लै चल। कबीरा कहानी पीड दे सतगुरु ले छाए, परा पुरुली पावनी ते प्रगट होई आए। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाए। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाए। हुण गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे है कि साधु मिलना की होया, सानू निर्वाण पद मिल गया। निर्वाण पद ओ है जिथे जाके सारिया आसा त्रिशना सुन हो जांदियां, पारब्रह्म दे विच आत्मा पहुंच गई है। इदु उपर आत्मा जाके संतां दीआं मंडलियां दे विच जाके कीर्तन करदी है। सब संत उत्थे मिलदे है, बेशक कोई चार युग पहला होया है, वह मंडली संतां दा है, जिसनूं गुरु नानक साहब कहिंदे है संत मंडल ऊहां का नाओ। ऐस मंडल ते असूल मंडल दे उत्ते अग्ञानता दा अंधेरा है, ये मौत पैदाइश दा देश है, लेकिन जो संत मंडल है उत्थे ना अग्ञानता दा अंधेरा है ना मौत पैदाइश दा देश है, उत्थे शांति शांति है। कबीर साहब कहिंदे महरम होए सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा। अगर कोई उत्थे पहुंचया होए ओही साडे देश दी खबर दस सकदा है, मन सकदा है कि इन्हां दा देश जिथे ना दुख है ना अंधेरा है ना उत्थे कोई किसी नूं दुख दिखाउंदा है। रविदास भी कहिंदा है अण मड़िया मंदल वाजै, बिन सावन कनहर गाजै, बादल बिन बरखा होई, जे तत् विचारे कोई। सो सानू भी चाहीदा है, गुरु साहब ने छोटे जे शब्द विच जो कुछ प्रेम प्यार नाल समझाया है कि साडे और परमात्मा दे दरम्यान मन दी रुकावट है या साडे होम अहंकार दी रुकावट है, मन साडा हाथी है, गुरु कोले क्यों जाना है, वह शब्द अंकस दिंदा है। और जिस तरह विद्या दी ताकत बच्चे दे दिमाग विच है, लेकिन कुंजी स्कूल दे टीचर पास है, इस तरह रूहानियत की ताकत वह परमात्मा साडे अंदर है। वह सब दा परमात्मा सब दे अंदर है, लेकिन अपने आप असी उस परमात्मा नूं पा नहीं सकते जिन्ना चिर संत महात्मा साडे ते दया मेहर नहीं करदे गए। आपने फरियाद की परमात्मा अगे कि तू दया कर, मैनू ऐसा संत सतगुरु मिला ताकि मैं भी उस परमात्मा दे नाल आपदी आत्मा नूं जोड़ सकां। आपने अखीर ते कहा कि मेरी समाधि लग गई है, मैं सहज अवस्था दे विच पहुंच गया है, मैं संतां दे देश विच पहुंच गया है जिथे दुख अंधेरा दी कोई जगह नहीं गई। परम पिता परमात्मा,
सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। जिन्हां ने भगती दा दान दिता है, भगती करन दा मौका दिता है। कबीर साहब ने कहा सी, गुर को राखे सीस पर, चले आग्या माहे, कहे कबीर तै दास को तीन लोक डर नाहे। अगर असि प्रेम प्यार ना गुरु दी आग्या दा पालन करदे हैं, परलोकी तक कोई भी काल दी ताकत सेवक नूं रोक नहीं सकती, बिघन नहीं पा सकती, क्योंकि सच्चे गुरु दा सिर ते हथ हुंदा है। जद भी असी मन इंद्रियां दी गुलामी तो उपर उठदे हैं, अखां पिछे आके शब्द रूप गुरु नूं प्रगट कर लैंदे हैं, प्यारे हो एक सच्चाई है, सेवक दी ड्यूटी उत्थे समाप्त हो जाती है। अगे गुरु हर वक्त परछावे वत इहदे साथ होएगा। जद उत्थे पहुंच जांदा जो भी सेवक, बाहर भी गुरु परछावे दी तरह उहदे साथ रहिंदा है। गुरु का बच्चा बनने के लिए क्या करना जरूरी है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ भाई, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। मेरा मुंह तो हसना ही सी, मेरा दिल भी हसदा है, मेरा पूरा तन ही हस रहा है इस सवाल नु सुन के, क्योंकि ये मेरा जाति तजर्बा है। जो कुछ मैं आप नू दसूंगा प्यारे, हो बोलन नू तो ये वास्ते बहुत कुछ है, लेकिन दो अरफी बात दसदा है कि सब अपनियां चितराइयां ऊन ताइयां छड़नियां पैंदियां है। सब तो पहला एवें पास नू भी 40 दिन दे बच्चे जैसा बनना पैंदा है। तन भी सच्चा होवे, मन भी सच्चा होवे, उह सच्चाई दा बड़ा साढ़े पोले पाले ते असर पैंदा है। सच तो यह है कि ऐसे ख्याल शुरू चो ही बने हुंदे है कि मैनू कोई सच्चा पिता मिले, कोई ऐसा पिता मिले जिहड़ा मैनू अपनी गोद विच लैके वो प्यार देवे कि जिहड़ा अटुट है, जिहड़ा दुनिया दे किसे भी कोने विचो ना मिलिया होवे, ना खेतां जुगदा होवे, ना बाजार चो खरीदिया जावे, ना हो किसी हुकूमत ना मिलता होवे। बचपने तो ही ऐसी आत्मा नूं ऐसे प्यार दी, ऐसे पिता दी खोज हुंदी है। मेरा ख्याल है ये घटना पहला भी अनेकां वारी सुनाई है, मैं फिर ताजी कर देना है क्योंकि अपनी उदाहरणी अच्छी हुंदी है, क्योंकि मैं सच्चे दिलों पिता बनाया, उसने मैनूं अपना बच्चा बनाया मेरे प्यारे गुरु ने। एक तो मेरा सतगुरु प्यारा 25 साल ये हुक्का दिंदा रहा कि इंसान का बनना मुश्किल है, भगवान का पाना औखा नहीं, इंसान की भाल दे विच भगवान फिरदा है। हर आदमी का लेखा जोखा वह भगवान ने आपदे पास रखा है कि इसनू गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, कद गुरु मिलना कद ना मिलेगा, कि इहनू इसे जन्म दे विच पूरा भरोसा आ जाएगा, कि जो 4 जन्म संत मत दे विच है के 4 तो वध जन्म नहीं दिते जाते, कि एक जन्म च ही आपका सारा अवस्था पूरियां करके सचखंड पहुंच जाएगा, या कि इस तो होर भी जीवां नाम दवाया जाएगा, ये जुम्मे बहुत वड्डा कम जीवां नूं तारन दा लाया जाएगा। ये सब कुछ पहलां तो प्लैनिंग बन के संसार विच भेजा जाता है। वह जब वक्त टाइम आ जाता है उस टाइम ऐसी हस्ती गुरु उस शिष्य के सामने हो जाती है। प्यारे हो, कई दफा शर्म भी दिल दे विच महसूस हुंदी है कि असी शादी शुदा होके भटकते फिरते हैं, थां थां भटक जाने हैं, कहने जी साडा मन साथो जबरदस्त आ गया, ये एक गरीब आत्मा तुहाडे अगे बैठी है, इस ते जवानी भी आई, जिथे दा पालन पोषण होया उथे तन पदार्थ भी सीगा, सब कुछ ही सी, लेकिन बचपने तो उन्हें किसी भी चीज़ दे विच दिल दे विच नहीं आया। मन इस गरीब आत्मा दे अंदर भी सीगा, लेकिन उस मन की बात सुनी नहीं सी। शादी वास्ते बड़ा ही जोर पाया गया, माता पिता ने इथों तक शर्त रखती, बे जे तू ना हाँ करेगा असी कुएं च पै के मर जावांगे,
लेकिन फिर भी उन्होंने रो रा के बराया, क्योंकि मैं नहीं चाहता सी कि मैं माता पिता के हुक्म की उलंघना करा। सो प्यारो, तुसी सोच के देख सकते हो, जिस दिन मैं अपने प्यारे गुरु नू मिलिया, क्योंकि ना मैनू ओदी कोई निंदिया करने वाला मिलिया, ना वड्याई करने वाला मिलिया, जिस दिन मिलिया सी मैं अखा चो पानी पर कढ के यही कहा सी कि मैं जैसा माता दे पेट विचों आया है, वैसा ही एक कुआरी लड़की दी तरह तेनू मिलिया है। सो प्यारे हो, तुसी देख लो कि भगवान दे मिलन दी खातर मैं काफी टाइम जमीन ते भी सोया, भुख प्यास जिथों तक मेरे अच्छी तरह याद है कि कई कई दिन खाना नहीं खादा, बिरों दी जद अग भड़कदी सीगी, किथे बिछे याद रहिंदे है, किथे दुनियादारी याद रहिंदी है, इक्को ही मिलाप दी तांग दिल विच रह जांदी है। सन 47 दे अंदर जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान दा जंग होया कश्मीर दे विच, मैं आर्मी दे विच सी, मैनूं उस दे विच देश सेवा दा मौका मिलिया। प्यारे ओ बहुत उथे बर्फ पैंदी सीगी जिन्हां पहाड़ियां ते असी गए सीगे, जद साडी फतेह हुई उथे तो गवर्नमेंट ने सानू शिमले 6 महीने वास्ते भेजिया कि भी ये इतनी सर्दी दे विचों आए है, ये कुछ चिर उथे रह के फिर मैदानी इलाके पटियाले दे विच लाउण, लेकिन प्यार प्यार है, बिरो बिरो है। मैं उस जून दे अंदर आके धूणियां तपाइया सन, वो धूणियां का मकसद कोई लोगों तो धन पदार्थ इकट्ठा करना नहीं सीगा, सिर्फ एको ही चीज सी कि किवें ना किवें वो प्यारा अगर अग दे विच बैठे भी वो मिल जाए फिर भी सस्ता है। मैं ये चीजा च समझदा सी कि भुखे रहने ना परमात्मा नहीं मिलता गा, अग दे विच बैठने नाल परमात्मा नहीं मिलता गा, और ये सब चीज का ज्ञान भी सीगा, लेकिन ये सी कि ये तन दे अंदर जो मन है ये तेनू कितने विषय बकारा दे विच पटका ना देवे, इस नू दबाई रखना ही अच्छा है। जद टाइम आया वो परमात्मा कृपाल घर बैठिया नू, मैं नहीं जानता कि मेरा किसने उस नू नाम दसिया, किवें ये पता दसिया कि वो किस जगह बैठा है, खुद उन्हें संदेश ची भेजे कि अज घरे रहे, खुद आप ही अपनी दया करके जो मेरी बचपने की इच्छा सी कि मेरी शादी करने वाला अजे वो दूल्हा मैनू मिलिया नहीं, माता कहिंदी सी कि बच्चे बंदे दी शादी औरत ना हुंदी है, मर्द नहीं नाल नहीं हुंदी, तो वो सचमुच ही वो दूल्हा बन के ही मेरे घरे आया, मैनू जिवें शादी वेले छल्ला पहनाउंदे है वो भी पाया और कपड़े भी लेके आया, ये ओदी खास दया सी। प्यारे हो, हिंदुस्तान दा ये कायदा है जद लड़की दी शादी कर देंदे है आपदे उस पति दे घरे चली जांदी है, वो अपना मर्जी दा नाम नहीं रखदी गी, ये हुण उस पति दी मौज है कि किस नाम नाल उस नूं बुलावे, किथे रखे, उसकी जो शर्म है वो सब ओदे पति नूं हुंदी है। प्यारे हो, तुसी देख लो सारी जिंदगी दे अगर किसे नूं तुसी जानदे ना हो, वो थानू पहली झलकी दे विच ही ऐसा इम्तिहान तुहाडे अगे रख देवे कि जेड़ा दुनियावी तौर दे उत्ते वो किसे नूं भी चंगा ना लगे और दिल कंब जावे ऐसे इम्तिहान नूं पास करन वास्ते। हुण तुसी सोच के देख सकदे हो मेरी वो काफी जायदाद सी और बहुत बड़ा मकान सी, तो कहण लग्या मैं सारे कुछ ते खुश हैं, अच्छी तरह निरीक्षण कीता, इंस्पेक्शन कीता कि मैं सब ते खुश हैं, पर मेरे बैठिया इन तू छड़ जा, इतो कोई वस्तु ना चुक। हुण तुसी देख लो इत्थे अपू मकान बनाई जांदा है, वो भी इसे तरह ही नवा कुछ बन गया सी, कुछ रहिंदा सीगा, मेरा ख्याल है जे मैं पप्पू नूं कह देवां तो इत्थे हल्ट फेल हो जावे। हालांकि प्यारे हो पप्पू दे तां मैं साथ रह रहा है, तो साडा तां पहलां गुरु दे नाल मिलाप ही नहीं सीगा, मेरी इस तरह पग ला के रखी हुई सी, मैं सिर ते रखण लग्या, मैनू कहण लगे कि मैं तेनू पग चकण नू थोड़ो गया है, जो मेरे साफा छोटा जिहा सिर ते सीगा ओही लै के दिन छिपिया सीगा, तो मैं 16 PS जिथों दा ओहदा हुक्म सी मैं
ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਦਿਨ ਆਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੇ, ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਫਗੜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲੌਣਾ ਦੇਵੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਖਿਲੌਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਔਰ ਸਰਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੋ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਲਬਲੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੋ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਤ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਪ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਕਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪਾਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤੋ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ, ਕਾਣਾ, ਬੋਲਾ, ਲੂਲਾ, ਲੰਗੜਾ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ, ਕੰਮ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਮੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਾਪਾਪੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ,
क्योंकि अगे जाके उसनू वो परमात्मा भी पुठा टंग दिंदा है। थानू पता है जे असी मन मर्जी करांगे जां संसार दा कानून नहीं बख्शदा, दुनियावी कानून भी सानू सजा दिंदा है आत्मघात वाले नू, तो परमात्मा दा विधान तां असी तोड़ ही नहीं सकदे गे, उस नू कौन तोड़ेगा। ये साडी आत्म कमजोरी हुंदी है जिहड़ा असी आत्मघात वास्ते सोचते हैं। असी सोचते हैं कि शायद मरन नाल कोई मसला हल हो जाएगा, ये साडा गलत सोचना है प्यारे। आत्मघात का पाप तो लगना ही लगना है, अगे होर भी पाप बड़े है जेड़े जाके उसनु भुगतने पैंदे है, क्योंकि बहुत आदमी जेड़े है उस संसार दियां जिम्मेवारियां तो डरदे हुए आत्मघात करदे है। बहुत सारा दा मन ही कमजोर हुंदा है और कई पागलपन दे अंदर इस नु सोचदे है और कर बैंदे है। हाँ जी, क्या आपने कभी बाबा सोमनाथ या मस्ताना जी के साथ कोई समय बिताया है? अगर हाँ, तो क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? हाँ भाई, बाबा सोमनाथ नाल तां मैं थोनू दसदा हुंना है कि मेरी बहुत थोड़ी मुलाकात हुई। जद मैं बाबा बिशन दास नूं महाराज सावन दे चरणा विच लेके गया सीगा, क्योंकि साडा गुरु चेले दा दोनों दा वैदा सीगा। बाबा बिशन दास ने कहा सी कि मेरे कोले ब्रह्म दा ही भेद है, अगर इस ते ऊपर कोई तेनू गुरु मिले मैनू जरूर ले जाना है, अगर मैनू कोई मिलेगा तो मैं तेनू ले जाऊंगा। लेकिन ये मालिक दी मौज हुई कि बाबा दर्शन बाबा सावन सिंह महाराज दे मैनू पहला दर्शन होए, मैं उन्हां नू आके लेके गया। उस वेले बाबा बिशन दास ने बड़ा भावुक होकर कहा सीगा कि जी थोड़े दर्शन इस मेरे शिष्य ने करवाए है, इसने परमार्थ नू प्राप्त करने वास्ते बड़े साधन कीते सीगे, जप तप धूनिया वगैरह कष्ट बड़ा दिता है। उस वेले बाबा सोमनाथ नू महाराज सावण सिंह ने बुलाया कि भी साडे भी एक बाबा है जिन्हें इस तरह के बहुत सारे कर्म किए और जटा वगैरह भी रखी फिरिया है, इत्थे ब्यास जाके जटा इसने मनाईया हन। सो इन्नी मेरी मुलाकात उन्होंने नाल हुई सी। तो मस्ताना जी दे नाल तो मिलाप साडा अनेकां वारी महाराज सावण सिंह दे चरणा विच ही हुंदा रहा, सत्संग च असीं आम मिलते रहे हैं। वह मेरा पुराना मित्र सी, साडा बहुत प्यार सीगा, वह एक किस्म का आशक सी, हमेशा आपदे गुरु नूं सावन शाह कह के पुकारदे सी, साह साह नाल ही उह आपदे गुरु नूं याद करदे सी। आ जिहड़े तुसीं भजन मस्ताना जी दे लिखे बोलदे हो, इह इक सच्चाई है। इह भजन उस वक्त दे मेरे ही बोले हुए है, उस वक्त दे विच मैं अपना पिछे जिहड़ा, क्योंकि मस्ताना जी किसे नूं नामदान वास्ते कह के नहीं गए, इक उहनां दे शिष्य पिछों अपना उसने आपदा नाम इहदे विच जोड़ दिता भी मैं लिखे है, लेकिन मैं उन्हां दे विच फिर अपना नाम जोड़ना मुनासिब नहीं समझिया। ये मस्ताना जी ही नाम मेरा ही जुड़िया होया है, क्योंकि मस्ताना जी दे पैरां नूं घुंघरू बद्धे हुंदे सीगे। वो एक मस्त फकीर सीगा, कोई लोक लाज नहीं समझदा सीगा, आम तौर ते महाराज सावण दे सत्संग दे विच खूब नचदा हुंदा सीगा। तो मैनूं भी शुरू दे विच डांस करन दा बड़ा शौक हुंदा सीगा। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਨਾਚ ਰੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਰੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਂਝੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ, ਆਓ ਜਿਸਨੇ ਫਕਰ ਹੋਵਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਊਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਜੀ ਨੇ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਈ
अब बताएगा कि सावन कैसा सीगा और कितना वो सोहना सी, कितना वो प्यारा सी। मैं जिस तरह का सावन देखा सीगा, मैं ओह जहा ओदी संगत दे विच बयान करदा हुंदा सी, क्योंकि महाराज सावन सिंह बड़े सोहने सन। सचता है कि वह जेंटलमैन गुरु सन। उन्हां दे आम तौर दे उत्ते सोने की जंजीर वाली घड़ी हुंदी सी, इत्थे जंजीर लगी हुंदी सी, तो कपड़ा बड़ा साफ पहनते सी। उन्हां दी जिंदगी च कदे किसी ने उन्हां दे कमीज ते दाग तक नहीं देखा सीगा। जदों हसदे सी उन्हां दा ऐ मलूम हुंदा जिवें सारा शरीर ही हसदा है, और जिस तरह के फुल किरदे हुंदे है वह नज़ारा देखण दे नाल सीगा। सच तां इह है कि परियां तक भी उन्हूं सलाम करदियां सन, वह भी उहदे मुकाबले दियां हुसन इन्ना नहीं सी जिन्ना सावण ते सीगा। खास उन्हां दा तरीका ऐसा सी कि बात तो किसी होर ना करदे हुंदे सीगे, ते कम दा कोई होर खड़ा हुंदा सी पासे। सो प्यारे हो, मस्ताना जी ने एक दिन प्यार दे विच कहा सीगा कि देख बई, इत्थे जो कुछ देखदे हो बख्शिश है सावन दी, क्योंकि मस्ताना जी धन पदार्थ जिदे वाटदे सीगे पब्लिक दे विच, सुबह लग जांदे शाम तक वांटी जांदे सीगे। तो कई दफा हिंदुस्तान की गौरमेंट ने भी उन्होंने तलाशी भी ली, पकड़ के जेल अंदर भी डालिया, लेकिन कदे किसी ने उन्होंने पासों कोई धन नहीं थे आया, कोई पदार्थ नहीं थे आया। ओदा ए होका सीगा, लिख के लाया होया सी, अगर कोई ये कहे कि मैं 1 रुपया मस्ताने ने दिता तो 1000 ले सकता है। खुद के कपड़े फटे मैं देखे है, जोड़े टुटे होंगे सी ओदे पैरां च। वो कहिंदा सी बई ये जो कुछ खेल है ये सावण दा है, गरीब मस्ताने कोले तां आ कुछ है, जोड़े दिखाने कपड़े दिखाने फटे गल में पाए। सो प्यारे हो, उसने मैनू एक दिन बड़े प्यार नाल ये बात कही सी, कहने लगा देख ये तां बख्शिश है मेरे ते, लेकिन जेड़ी ताकत तेरे पास आएगी ओदी बड़ी कमाई है। सावण खुदा है, वह खुदा दा बेटा है, इतनी कमाई है कि अगर 2 तोपां चल रही हों तो इस तरह हथ खड़े कर दे तो तोपां रुक जान गईयां। आपने उस ताकत की कदर करनी है, वक्त आन तो अपने आप ही उतरे घर आ जाएगी। सो प्यारे हो, महाराज कृपाल दे नाल भी उहदा बड़ा प्यार सीगा, उहदी संगत महाराज कृपाल दे नाल काफी प्यार करदी रही है। वो खास करके जेडे महाराज सावण सिंह दे नाम लेवा सी उन्हां ते खुश नहीं हुंदा सीगा। उहदा कारण इक्को ही सीगा कि देखो बई, आपनूं सावण शाही स्वरूप मिलिया, आपने उसकी कदर नहीं कीती। सो प्यारे हो, उहनां दा जिहड़ा कहण दा ढंग सीगा भी सावण शाही स्वरूप की कदर नहीं कीती, क्योंकि उहनां दे उह तन मन दे अंदर उह स्वरूप घर कर गया सी। जैसे मैं एक शब्द दे विच दस्सिया है, अजे तक भुल नहीं सकिया ज्यों सावण मशकाया। प्यारे हो, ये गरीब आत्मा भी सावण दा स्वरूप ऐसा अखां च वसिया है, मैं कढ नहीं सकिया गा, और मैं अपने गुरु दे प्यारे कृपाल और सावण दे विच कदे कोई फर्क नहीं समझिया सीगा, मैं उसे स्वरूप च ही उन्हां दे दर्शन करदा रहा। वो हसदा हसदा ही अमर निशानी सदा पास रहन वाली कृपाल दिता है। हाँ, जब एक सेवक बहुत गहराई से गुरु के आगे प्रार्थना करता है, अपने दिल की गहराई से गुरु के आगे प्रार्थना करता है, तो क्या इस किस्म की प्रार्थना उसके खाते में अभ्यास के रूप में शामिल होती है? हाँ भाई, प्रार्थना करनी बड़ी अच्छी है। अगर साड़ी सच्ची प्रार्थना है दुनियावी पदार्थों की नहीं, वो जरूर सुनी जाती है, वो पूरी भी हो जाती है, परमार्थ दी है। तो सच्चाई तो यह है कि सच्ची प्रार्थना असी उस वेले ही कर सकते हैं जब असी नौ द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आके सतगुरु स्वरूप नूं प्रगट कर लैने हैं, सतगुरु दे सच्चे शिष्य बन जाने हैं। फिर साढ़े दिल दियां गहराइयां दे अंदर दुनियावी कोई भी ख्वाहिश छुपी नहीं हुंदी गी। उस वेले जो पदार्थ जो भी प्रार्थना हुंदी है वो सच्ची हुंदी है, सही हुंदी है। सिर्फ उदो असी जो मंग रहे हैं वो परमार्थ ही मंग रहे हैं,
कि हे सतगुरु बगैर ते तो होर कुछ मंगना है ते दुख ही मंगना है। सो प्यारे हो, एक लड़की ने प्रार्थना की थी कि मेरे बच्चा होवे। बच्चा होया, बाहर पछम दे विच तां मैनू खुशी है कि लड़के लड़की का कोई भेद नहीं हिंदुस्तान दे अंदर। हालांकि बहुत सारा पछम का रवाज आ चुका है, लेकिन अजे भी साढ़े पुलड़ लोग जे लड़की करे पैदा हो जाए तो बहुत बुरा मनाते हैं, लड़का पैदा हो जाए तो खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। उस लड़की दे लड़की होगी तो महाराज सावन सिंह दे अगे खड़ी कहन लगी कि मेरा तेरे तो भरोसा उड गया, क्योंकि मैं कहा सी लड़का होवे ते हो गई लड़की। हुण तुसी देख लो कि असी एह जे लोग प्रार्थना करके की लवांगे, जे वो मिलदी भी है तो फिर असी कुड़ी मुंडे का झंडा उठा लैने। इस तरह 77वीं दे विच बहुत पछम दे विच एक लड़की ने चक्कर लाए, कहण लगी मेरी सस मेरे परिवार वाले मैनू बुरा समझते है, मेरे कोई बच्चा नहीं। मैं कह भाई ये तो सावन कृपाल दरबार है, जैसी कोई भावना लेके आंदा है वैसी इत्थे पूरी हो जाती है, उहदे बच्चा पैदा हो गया। बस जब मैं अमरीका गया उत्थे तो धन्नवाद करन आई, उस तो बाद मैं उस संगत दे विच नहीं देखी। हुण तुसी सोच के देख सकते हो कि असी खुद भी आपदी प्रार्थना जे करते हैं चीज मिल भी जाती है तो उस चीज नूं पा के गुरु नूं ही भुल जाने हैं। मैं पहला भी कई बार दसदा हुंदा, एक दिन असी बड़ा लम्मा सफर करके अमरीका च गए। अगे जिस परिवार च गए उन्होंने कोई बच्चा नहीं सीगा, उन्होंने मेरे मियाँ बीबी दोने गले लगे, कहन लगे देखो जी या तो इतना धन पदार्थ ना देंदे, हुण जे दिता है तो कोई ना कोई बच्चा चाहिए है। मालक दी मौज, साल पिछो जिस दिन मैं उन्होंने उत्थे घरे गया सी उस दिन उन्होंने बच्चा होया। फिर उन्हों का पत्र आया, देखो जी इनू हूँ ये रोंदा है, इस नूं बुलाउणा भी चाहिए है। हुण तुसीं सोच के देख लो कि प्रार्थना तो साड़ियां पूरियां हुंदियां हन, लेकिन फिर भी असीं दुनियावी चीज लोग हैं, फिर कड़ा खुश हुंदे हैं। बच्चा भी देवे, खड़ाउण नूं भी गुरु आवे, तो सोच के देख लो। तो प्यारे हो, अनेकां ग्रंथ बन सकते है जे मैं थानू साढ़े दुनियादारा दी प्रार्थना दसा, तो मैं थानू एक छोटी जी दस दिना है बाकी, क्योंकि वो भी एक मजबूरी दी हालत विच जैसा सवाल हो वैसी बात करनी पैंदी है। एक लड़की काफी दूरों उत्थे 16 पीएस जांदी हुंदी, उन्हूं 14 साल कि 13 साल उस नूं शादी होई नूं होए सन। साल क गई, एक दिन मैनू कहण लगी तैनूं पता है मैं किवें आउनी है। मैं आख्या हाँ मैनूं पता है। फिर अगे तू वो पूरी क्यों नहीं करता, मैं कहा कि तू खुश होवेगी। कहिंदी मेरे कोई बच्चा नहीं होया, वो हो जाए। खैर 9 महीनिया 10 महीनिया बाद उस दे मालक ने कृपा की, कृपाल ने पेट च नई आत्मा ने प्रवेश किया। वो फिर मिली मैनू, कहिंदी देख जे लड़का ना होया मेरा तेरे तो भरोसा उड जाएगा। मालक ने कृपा की थी, वो दे लड़का हो गया, लड़का हो गया। वो लड़के ते गर्म पानी पै गया, वो लड़का काफी सड़िया। वो कहन लगी जे राजी ना होया तो मेरा तेरे तो भरोसा उड जाएगा। फिर वो भी ठीक हो गया, फिर उन मानसिक रोग हो गया। कहन लगी देखो हुण मैं किवें भरोसा रखा, मैं ठीक होवां तां भरोसा करा ना, मैनूं पहलां ठीक करो। हुण तुसीं सोच के देख सकदे हो कि नाम तो बगैर जे कोई चीज मंगदे हो कि तुसीं संतुष्ट हो उहदे विच। सो सच्ची प्रार्थना जिहड़ी है उह तां तुसीं 9 द्वारां तों उपर जा के गुरु दे चरणां विच जदों पहुंच जांदे हो उदों ही सच्ची प्रार्थना तुहाडी होएगी, नहीं तां तुसीं दुनियावी प्रार्थना दे विच ही आपदा सारा वक्त लाई जांदे हो। मैं तुहानूं होर इक प्रार्थना दस के हसा दिना है। 2 महीने हो गए, ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 ही नवंबर के सत्संग के उत्ते ना अक्तूबर के सत्संग के उत्ते पंजाब चो अच्छी पढ़ी लिखी है मेरे पास लड़की गई।
मैनू कह लगी मैं तेरा सत्संग बड़ा सुनया जो मैनू प्राइवेट मिली मैनू बड़ा चंगा लग्या। तुसी ये कहने हो कि आत्मा औरत च भी उही है मर्द च भी उही है फिर तुसी शादी क्यों नहीं कराई, मैं विंगा जा मूह करके मैं कह मैनू किसी ने पसंद नहीं किया। फिर वो इस सत्संग ते फिर आई मैनू कहन लगी मैं महाराज दे अगे प्रार्थना की कि वो शादी करा लवे। फिर मैं सोचा भी हुण तां वो बुढ़ा हो गया है लेकिन की मेरी प्रार्थना सुनी जाऊगी। हुण तुसी देख लो भी असी प्रार्थना तां इहो जिहा गुरु दे कोल जाके करदे हां, सानू ये नहीं पता भी असी प्रार्थना करनी किस चीज की है। जदों असी अंदर जावांगे उदों ही पता लगेगा भी असी प्रार्थना कहड़ी करनी है। सो प्यारे सानू प्रार्थना करन दा पता ही नहीं गा, असल प्रार्थना करन दा सानू उदों ही पता लगदा है जदों असी अंदर जाके सतगुरु नूं प्रगट कर लैंदे आ, उहदे चरणां च पहुंच जांदे आ, उहदी हस्ती नूं समझ लैंदे आ कि उपरले मंडलां दे विच इहदी की इज्जत है, की इह सानू दे सकदा है। सो प्यारे उदों सिर्फ गुरु तों गुरु ही मंगिया जांदा है। मैं तां सारिआं नूं वड्डी चीज़ तुहानूं इही दसदा हां सत्संग दे विच प्रार्थना दे मुतलक कि एक बच्चा स्कूल विच जांदा है, जे ओह रस्ते दे विच स्कूल तां जावे ना, रस्ते दे विच बैठ के प्रार्थना करन लग जावे कि मैनूं टीचर मेरा पास कर देवे, मेरे अच्छे नंबर आ जाण। तुसीं सोच के देख लो ओह बच्चा गलत कर रिहा हुंदा है, ओह प्रार्थना करन दी बजाए स्कूल च जावे, जो टीचर कहिंदा है उस नूं पढ़े, नतीजा उहदी मेहनत ही आएगा। सो प्यारिओ असीं जदों पुणे सिग्नल दा कोर्स पास करन वास्ते गए हैं, साडे उह टीचर बड़े सख्त सन। उह सानूं कहिंदे हुंदे सीगे कि जिन्हां दी तुसीं प्रार्थना करके आए हो असी वो किसे नू नहीं मनते गए, तो कम नू मनते हैं, अगर कम करोगे तद ही तुसी पास हो सकोगे, नहीं तो असी एफ ला के फेल करके तुहानू भेज देवांगे। तो प्यारे हो महाराज सावण दे मुखारबिंद तो पवित्र मुख तो कई दफा सुनिया सी कि मैं जट गुरु हैं वट कट दूंगा, तो महाराज कृपाल तो यह सुनते रहे कि मैं अकाउंटेंट हैं कि पाई कटी तो कटी क्यों, वधी तो वधी क्यों है। महाराज कृपाल का मतलब यह सीगा भी जिन्ने सास तुहानू दित्ते है उन्हां सारयां दा हिसाब लऊंगा भी कि तुसी इन्हां विच सिमरन कीता या इन्हां दी तुसी कदर कीती या इन्हां नूं फजूल ही गवा दित्ता है। साडे धन भाग है सानू प्यारे गुरु मिले जिन्हां ने सानू प्रार्थना करनी दसी कि प्यारे हो जिस दुकान दे उत्ते ओले है जे आपां उत्थे जाके धूप दिखाइए प्रार्थना करिए कि सानू इत्थों हीरे मिल जाण, जिन्नी मर्जी धूप दिखा लो या गालियां कढ़ लो या प्रार्थना कर लो जो मर्जी कर लो, कोले मंगोगे तां कोले मिलणगे, जिथे लाल है हीरे है तुसी उत्थे जाके जे कोले मंगोगे तां तुहानूं किस तरह वो देगा, उत्थे तां हीरे विकदे है। सो संतां दी दुकान ते तां नाम है, नाम दे नाल जुड़ो आपदे घर पहुंच जाओ।